बिल्कुल नायब सिंह सैनी जो दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे, हालांकि इससे पहले 56 दिनों का ही कार्यकाल था, लेकिन इस बार 5 साल के कार्यकाल के लिए सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं आपसे कुछ देर बाद। और देखिए जो तमाम विधायक हैं वो भी मंच पर मौजूद हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। करीब 12 विधायक यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, उसमें कई सारे नाम पुराने भी हैं और कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया, कई क्योंकि इस बार 8 मंत्री हार गए चुनाव। पोल्स पे खड़े हैं, कृपया करके आप अगर नीचे आ जाएंगे तो हमें ये बह कि आपको किंचित भी चोट ना लगे, इसलिए हम थोड़े से ज्यादा जागरूक आपकी तरफ से हो रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, आपको थोड़ी सी असुविधा है, भीड़ बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग बहुत शांति से अनुशासन से यहाँ पर विराजमान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपके एहसान के बोझ तले हम खड़े यहाँ पे, हम दबे यहाँ पे, हम एहसान मान रहे हैं आप सभी लोगों का, आपने अपना कीमती समय दिया, कीमती वोट दिया और आज आपके समक्ष भारत के सभी यशस्वी नेतागण आपके बीच हैं। एक बार आप सभी जोरदार नारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, भीड़ एकदम खचाखच है, 50,000 मेहमान पहुंचेंगे ऐसा अनुमान था, लेकिन ये संख्या उससे कहीं ज़्यादा नज़र आ रही है। जैसे कि इससे पहले साहिल रुखाया भी बता रहे थे कि 1 लाख लोग बैठ सकते हैं, ऐसी क्षमता है, उससे ज़्यादा लोग आ सकते हैं, इस तरह का अनुमान है। और यहाँ जो हरियाणा की जनता है जिन्होंने प्यार विश्वास एक बार फिर से बीजेपी पर दिखाया, बीजेपी ने इतिहास रचते हुए हैट्रिक लगा दी, अब वो लोग भी सपोर्ट के लिए पहुंचे हैं। 50,000 तो कार्यकर्ताओं के अलावा वो लोग हैं, आम लोग हैं जिन्हें इनविटेशन मिला है आज की शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए। और जैसा कि अभी अनाउंसमेंट में प्रोग्राम की शुरुआत में आपने सुना भी कि ये बताया गया हरियाणा की जनता को कि आप ही का एहसान है कि दोबारा से सत्ता पर काबिज बीजेपी हो रही है। अब यहाँ नायब सिंह सैनी मंच पर मौजूद हैं और वो सभी विधायक एक एक करके मुख्यमंत्री के बाद में शपथ लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इंतजार हर किसी को है। ये तस्वीरें सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि देश भर में देखी जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि अगले शायद कुछ सेकेंड्स में या हो सकता है कुछ मिनट्स में पीएम मोदी मंच पर मौजूद नजर आए। 18 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं ऐसी जानकारी है, जिसमें सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए के चेहरों को भी शामिल किया गया है। और ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी का पार्ट ये भी है कि शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से हो, इतना भव्य इस कार्यक्रम को दिखाने की कोशिश, जितनी भव्य ये जीत है, ये हैट्रिक है, यानी जीत जितनी बड़ी कार्यक्रम भी उतना बड़ा और एनडीए के दिग्गज मंच पर मौजूद। और बिल्कुल, और ये शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाएगा रचना, क्योंकि एनडीए के भी तमाम नेता पहुंच रहे हैं और अमित शाह हैं मौजूद मंच पर, जेपी नड्डा मंच पर मौजूद हैं और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, 18 राज्यों के सीएम मौजूद हैं, डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं और एनडीए के भी नेता को भी आमंत्रित किया गया था। आज चूंकि एनडीए की एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है तो शक्ति प्रदर्शन भी आप कह सकते हैं एनडीए का, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले एक मैसेज देने की कोशिश कि एनडीए एकजुट है और बीजेपी देखिए किस तरह से जीत हासिल करती है। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बताया जा रहा था या फिर तमाम जो मुद्दे अग्निवीर योजना या किसान जवान पहलवान संविधान, ये तमाम मुद्दे उछाले गए, उसके बावजूद इतनी बड़ी जीत 48 सीटों के साथ बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले ज़रूर 2019 में वैशाखी का सहारा लेना पड़ा था, लेकिन इस बार अपने दम पर नायब सिंह सैनी, चूँकि चेहरा आगे किया गया था चुनाव से पहले ही और नायब सिंह सैनी का चेहरा आगे कर ये चुनाव लड़ा गया, और यही वजह है कि नायब सिंह सैनी पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है और नायब सिंह सैनी की सरकार एक बार फिर से आ रही है। तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुँच चुके हैं, बस पीएम मोदी का इंतज़ार है और उसके बाद शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। बतौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेंगे और उनके साथ जो तमाम मंत्री हैं वो भी शपथ लेंगे। ये बताया जा रहा है कि 13 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, उसमें कुछ नाम हैं, राव नरबीर का है, अनिल विज है, आरती राव, श्रुति चौधरी, श्याम सिंह राणा, महिपाल ढांडा, कृष्णलाल पवार, अरविंद शर्मा, रणबीर गंगवा, विपुल गोयल, राजेश नागर, गौरव गौतम, कृष्ण बेदी, ये सभी मंच पर मौजूद हैं। और देखिए चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचे हैं। ये एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी के साथ साथ एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, हरियाणा से मैसेज पूरे देश भर में देने की कोशिश कि एक तरफ तो इंडी अलायंस में कई सारे मतभेद सामने आए हैं लेकिन एनडीए एकजुट है, लोकसभा चुनाव के नतीजों में ज़रूर बीजेपी को
कुछ झटके लगे, लेकिन एक बार फिर से हरियाणा से मैसेज देने की कोशिश की बीजेपी, अब फिर से नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर आप तमाम जो चुनाव है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और आज भी नरेंद्र मोदी का वो चेहरा, करिश्माई चेहरा, उनका करिश्मा बरकरार है। तो गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मौजूद हैं, और सीएम असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, 18 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद हैं। और ये भीड़ देखिए, ये पंडाल, विशाल पंडाल बनाया गया है, और उस विशाल पंडाल में बैठने की जगह करीब 50,000 लोगों की है। उसके अलावा जो कई लोग हैं वो खड़े हैं इस समारोह का गवाह बनने के लिए। इन तस्वीरों के बड़े मायने हैं, तस्वीरों में भीड़ आपको दिख रही है, और तस्वीर जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो ये कि जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के ठीक बीच में चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं। तो ये जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसके भी बड़े मायने होते हैं। साथ ही साथ जिन विधायकों को आज शपथ लेनी है उनमें सबसे आगे वाली रो में सबसे पहले नंबर पर अनिल विज का बैठना भी एक बड़ा संदेश, बड़ा संकेत है। मेरे सीनियर कुलीग विनोद लांबा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ आलोक मेहता सर भी जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी ग्रुप। साथ ही साथ अरविंद मोहन सर भी हैं, कंसल्टिंग एडिटर आईटीवी ग्रुप, वो भी हमारे साथ में है। राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, आप सभी का स्वागत। हिमांशु भट्ट जी भी जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, साथ ही साथ बलवंत जी भी हमारे साथ में हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक सर, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी। तस्वीरें मंच की जो हैं वो बड़ा संकेत, बड़ा संदेश साफ तौर पर दे रही हैं, ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं, ये ओवरऑल एनडीए का कार्यक्रम नजर आ रहा है। एक तरफ जेपी नड्डा, एक तरफ गृह मंत्री, और बीच में बिठाया गया है चंद्रबाबू नायडू को, लेकिन नीतीश कुमार मिसिंग दिख रहे हैं। कृष्णा जी, कुछ कारण हो सकते हैं नीतीश कुमार का न होना, चूंकि उनका स्वास्थ्य आप जानते हैं, उनके कुछ कार्यक्रम भी रहे होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, महाराष्ट्र से लेकर के पूर्वोत्तर में चंद्रबाबू नायडू दिखाई दे रहे हैं। हम ये ठीक है कि हम कई बार देखते हैं, जब तक हमारे संवाददाता हो सकता है थोड़ी देर में आपको रिपोर्ट कर दे कि कहां पर वो क्या फंसे हुए हैं, नीतीश अभी नहीं पहुंचे या क्यों नहीं पहुंचे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये एक मैसेज असम से लेकर के और दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, पश्चिम से लेके आप देखिए दक्षिण तक, ये जो एक उत्तर से लेके दक्षिण तक, ऐसी स्थिति में ये दिखाना कि एक राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, जहां पर 5 सीटें जीते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जीत गए, नेशनल कांग्रेस जीते वो 5 सीटें हैं, यहाँ पर 48-50 सीट, ये ठीक है इस बार चौटाला उनके साथ ही रहे, वरना दुष्यंत का भाग्य होता वो यहाँ पर, उनको भी कहीं ना कहीं मौका मिला होता, वो अलग चले गए थे अपना ही साथ छोड़ करके अपना, लेकिन वो खुद ही चुनाव हार गए। इसलिए सबको साथ लेने का जो नारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए मैं आज भी कहूंगा उनका जो शुरू से एक वो है, वो एक राष्ट्रीय स्वरूप में पार्टी को, देश को और सभी दलों का सम्मान करते हुए, घटकों का जितना सम्मान वो करते हैं जी, बहुत कम ऐसे मैंने और भी घटक देखे हैं। मनमोहन सिंह के समय में क्या स्थिति थी, जेल भिजवाना पड़ता था जो घटक होते थे, अब यहाँ जेल की नौबत नहीं है, उनका अभिवादन है क्योंकि जेल वो गलत काम कर ही नहीं रहे, गलत काम करेंगे तो जेल की तैयारी रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला जेल में रहे थे, उनको तो नहीं रखा ना साथ में। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से ये स्वरूप है, हरियाणा का चुनाव, कुरुक्षेत्र का चुनाव, ये भारत की और जम्मू कश्मीर का चुनाव, वहां भी आप देखिए, वहां जो बने हैं वहां उस तरह के हैं जिनको, जिनका एक बड़ा महत्व है, और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी ने उदारता के साथ कहा ठीक है, यदि जो कर रहे हैं हम बाद में देखेंगे। उमर अब्दुल्ला को भी बधाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चुनाव लोकतंत्र में ये नहीं कहा कि अरे सब ये गलत हो गया, ये कोई फ्रॉड कर दिया इन्होंने, जो राहुल गांधी कंपनी पार्टी कह रही है। तो ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र का ये है, इसको हम खाली शक्ति परीक्षण न कहे, क्योंकि एनडीए की बैठक भी बुला ली, क्योंकि सबका आना कठिन होता है, हर बार फिर दिल्ली बुलाई है, आज इसके शाम को इन सब लोगों के साथ एक बैठक भी रखी गई है। तो बिल्कुल, एक एकजुटता का संदेश, चुनाव और झारखंड का चुनाव है जी, एकजुटता का संदेश देने की कोशिश, और महाराष्ट्र और चूंकि झारखंड में भी चुनाव होने हैं, तो यहां से एक मैसेज उन चुनावों में भी देने की कोशिश। लेकिन विनोद लांबा जी, हरियाणा की राजनीति को लेकर अगर हम बात करें, हरियाणा की राजनीति में नायब सिंह सैनी एक ऐसा चेहरा बहुत तेजी से उभरे, मुझे लगता है कि बहुत जमीनी स्तर से उभरे हैं, और आज ये स्थिति है कि नायब सिंह सैनी जब विधायक दल के नेता चुने गए तो सर्वसम्मति से, और खुद अमित शाह ने पीठ थपथपाई थी। नायब सिंह सैनी के चेहरे को लेकर जरा बताइए कि क्यों आखिर इस रेस में, सीएम पद की रेस में सबसे आगे वही रहे। देखिए,
देखिए जब लीडरशिप चेंज हो गई थी मनोहर लाल के साथ, देखिए क्या फ्रेशनेस चाहिए थी, फ्रेशनेस का अल्टरनेट अगर नहीं दिया जाता भाजपा के द्वारा तो कहीं ना कहीं जो सरकार है कांग्रेस की बन जाती। तो जो फ्रेशनेस चाहिए थी, जो पॉलिसीज में चेंजेस कराने थे, हर मुख्यमंत्री का राज करने का एक अलग स्टाइल होता है। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार मैंने देखी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार देखी है, और मनोहर लाल की सरकार को भी करीब से देखा, और नायाब सरकार की, उनका एक ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल, उनका कोई मास्टर स्ट्रोक खेलना वो एक अपनी चीज थी। लेकिन नायाब सिंह सैनी ने 12 बजे तक, 2 बजे तक अपने घर के संत कुटीर, जिसे कहा जाता है मुख्यमंत्री आवास है चंडीगढ़ में, उसके दरवाजे खोल दिए, और कहा जाता है कि उनको किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, जिससे बात करते हैं कंधे पे हाथ रख लेते हैं, एक सरल स्वभाव का जो बनाया गया नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री, फिर बाद में दोबारा रिपीट किया गया, ये कहीं ना कहीं उनकी जो छवि थी और थोड़ी सी जो सॉफ्टनेस लाने की बात थी, फ्रेशनेस की जरूरत थी हरियाणा में, इसे कोई दरकिनार नहीं करेगा। पोल फॉल एक सेकंड रोकेंगे आपको अभी, चूंकि रचना मेरी सहयोगी बात कर रही थी। रचना देखिए ललन सिंह नजर आ रहे हैं, आलोक सर ललन सिंह नजर आ रहे हैं, मतलब जेडीयू का भी प्रतिनिधित्व है यहाँ पर, नीतीश जी भले ही नहीं आ पाए। विनोद जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मेरी जो जानकारी है, नीतीश कुमार का लेटर तो आया है और वो शायद पहुंच भी जाएंगे, और जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी कह रहे थे, हमारे आलोक सर भी कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज देने की कोशिश है, और भाजपा इस काम को बखूबी दूसरे राजनीतिक दलों के मुकाबले करती है, एनडीए की ताकत दिखानी थी। और पूरा चुनाव जो है किसकी लिटमस टेस्ट था, सिर्फ सवाल यहाँ हरियाणा में सरकार बनाने का नहीं था, जो नंबर्स कम रह गए थे, जो एनडीए के सहारे केंद्र की सरकार बनी, उसके बाद दूसरे किसी राज्य का चुनाव होता है, यहाँ का जो भी नतीजा है उसका मैसेज तीसरे राज्य के चुनावों में जाएगा। और साफ तौर पे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया कि हमको आंकड़े नहीं रहे थे, हमने वहाँ सरकार बना के दिखाई, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र के चुनाव की बात है, झारखंड के चुनाव की बात है, फिर दिल्ली आएगा, फिर बिहार आएगा, तमाम ऐसे राज्यों में ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि, और ये क्या कहते हैं साफ तौर पर बीजेपी, आपने मैसेज देने की बात कही विनोद, जो तस्वीरें हैं वो भी आपने बड़ी स्ट्रॉन्ग है, अभी की ये जो तस्वीरें हैं और ये जो शिष्टाचार है उसकी तस्वीरें भी हैं, नायब सिंह सैनी जो विधायक दल के नेता चुन लिए गए, कुछ ही क्षणों बाद वो मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा शपथ भी आज हरियाणा के सीएम के तौर पर लेने वाले हैं, लेकिन ये तस्वीर जिसमें मनोहर लाल के साथ में वो आते हैं, नायब सिंह सैनी आगे बढ़ते हैं, और एक एक करके जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या फिर ये कहिए जो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं जो मौजूद यहाँ पर बड़े चेहरे हैं, उनसे एक एक करके आगे बढ़ के हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए शीश झुकाते हुए सभी से आगे मिल रहे हैं, और मिलकर एक तरीके से आशीर्वाद लेते हुए या शिष्टाचार भेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।